ये वीडियो रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्यों लगे थे। तो हम लोग गलतियाँ पहले करते हैं और फिर बाद में सीखते हैं कि हाँ भाई वो गलतियाँ थी। पहले तो रियलाइज़ नहीं होता है, पहले कोई अपने माइंड में आइडिया आता है और अपन उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो वैसा ही एक आइडिया आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत पहले एक एस्कॉर्ट का एड है। टोटल दो रीजंस थे जिसके कारण मेरे को कॉपीराइट लगे और अभी तीसरे हो जाएंगे। तो दो रीजंस ये थे। पहला था कि एक ब्रिस्बेन में एक एस्कॉर्ट की वेबसाइट थी। अब मैं वेबसाइट का लिंक नहीं डालूंगा क्योंकि वो मिस्टेक थी। तो उस लिस्ट में मतलब वो अपने बारे में टोटल डिस्क्राइब कर रही थी कि वो कैसी वगैरह है, क्या है वगैरह करके, और लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोटो थे जिसको मैंने अभी हाइड कर दिया। उसमें नीचे एक लिस्ट में लिखा था कि आई डू नॉट सी इंडियंस सो डू नॉट कॉन्टेक्ट मी। तो मुझे मुझे थोड़ा फनी लगा कि इंडियंस ने अपनी रेपुटेशन ऐसी बिगाड़ दी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो एस्कॉट लोग हैं वो भी इंडियंस को प्रिफर नहीं करते। मतलब फनी लगा, कोई रेसिस्ट नहीं है, उसकी पर्सनल चॉइस होगी, उसका व्यक्तिगत मामला होगा, किसी इंडियन ने सच में धोखा दे दिया होगा या फिर कैश पे नहीं किया होगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता, कोई भी रीज़न हो सकता, जिसके कारण एक एक बिहेवियर बन गया कि हाँ भाई वो एस्कॉर्ट डायरेक्टली ओपनली उसने वेबसाइट पे लिख दिया कि आई डू नॉट सी इंडियंस, डू नॉट कॉन्टैक्ट मी। ये वैसे इन जनरल कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाएगा कि भाई स्पेसिफिक किसी रेस को उन लोग मना कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल मेरे को फनी लगा। तो मैंने इसका एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट किया तो क्या हुआ कि इस पे मैंने वेबसाइट खोली थी, तो वेबसाइट पे ऊपर लिंक था, और लिंक था तो यूट्यूब को लगा कि मैं क्या कहते हैं, मैं इस एस्कॉर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ उसके लिंक वगैरह देखे। तो वो स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में वो चले गया क्योंकि यूट्यूब के डिफॉल्ट एल्गोरिदम से उनको लगा कि मैं एस्कॉर्ट के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ और फिर मैं उस एस्कॉर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। तो यार गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो यूट्यूब ने वो वीडियो ही हटा दिया, लेकिन वीडियो हटाने के साथ साथ उन्होंने मेरे को डायरेक्ट स्ट्राइक मार दी। मतलब पहले अगर हम लोग कोई कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ करते हैं तो उस पर एक वार्निंग आती है, लग किसी और का म्यूज़िक वगैरह यूज़ कर लिया तो उस पर कॉपीराइटेड वार्निंग आती है, और अगर वो 30 सेकेंड्स के ऊपर हो तो वो कंटेंट रिमूव होता है। इन्होंने कंटेंट रिमूव भी किया और स्ट्राइक भी डाल दी। तो वो स्ट्राइक टोटल 90 दिन की होती है, तो वो सितंबर 13 को एक्सपायर होगी, और उस पे से मुझे एक वीक तक वीडियो अपलोड करने की परमिशन नहीं है। तो शायद ये वाला वीडियो भी मैं 1 वीक बाद डालूंगा। और उस पे दूसरी गलती ये हो गई कि भाई एक चीज़ होती है ए रोल और एक चीज़ होती है बी रोल। मतलब जैसे मैं अभी डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ होती है ए रोल, और बी रोल ये होती है कि जहाँ पे सोच लो मैं किसी कंटेंट के बारे में लिख रहा हूँ या फिर ऐसी वगैरह चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और उस पर मैंने खुद का वॉइस ओवर नहीं डाला, मतलब सिर्फ वो वीडियो डाल दिया। तो अगर वॉइस ओवर डाल दो तो उसमें थोड़ा कंटेंट तुम्हारा होता है करके, लेकिन डायरेक्टली अगर तुमने एक बी रोल डाल दिया बिना एक्सप्लेनेशन करके तो वो स्पैम में चले गया कि भाई मैं उस कंटेंट को प्रमोट कर रहा हूँ करके। तो प्रॉब्ली मैंने ह्यूमर ठीक से एक्सिक्यूट नहीं किया, या फिर वो सिर्फ मेरे मन में ह्यूमर था, तो इस वजह से पहली पहली बड़ी स्ट्राइक लगी। दूसरी चीज़ ये हुई कि एक एक प्यारा सा ग्रुप है फेसबुक पे, सारा भाई वर्सेस सारा भाई एडिक्ट करके, उसमें टोटल 16,000 लोग हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आते, मतलब इंडियंस ही हैं या फिर दूसरे कंट्री वाले भी जो जो हिंदी बात कर सकते हैं। तो कोई पाकिस्तान से भी लोग हैं, कोई अरब वगैरह कंट्री से भी लोग हैं, कोई US वगैरह से भी लोग हैं जो जो हिंदी समझ सकते हैं और फिर सारा भाई से सारा भाई कंटेंट को देखते हैं। तो सीज़न 1 हम सब ने स्टार टीवी वगैरह पे देखा है, लेकिन सीज़न 2 जब रिलीज़ हुआ तो किसी को भनक भी नहीं थी कि हाँ भाई सीज़न 2 हुआ है करके। तो मुझे भी उस वीडियोस को एक्सेस करने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन किसी फ्रेंड ने मुझे वो वीडियोस के लिंक वगैरह पोस्ट किए, तो मैंने क्या किया, एक आध महीना हो गया होगा, बहुत पुरानी बात है, मैंने जो सीज़न 2 है उनके एपिसोड्स को इस पर डाल दिया, क्योंकि बहुत लोगों पे रीच जा नहीं रही थी, उनको उनको वो कंटेंट या फिर उसके मीम्स नहीं आ रहे थे। तो महीने पुरानी बात है, लेकिन आपको पता होगा कि 30 जून को सारे कॉपीराइटेड कंटेंट का वायलेशन वगैरह भी इंडिया में उसके
जो भी चीज़ें वो अपडेट हुए थे, लाइक बहुत सारे वॉयलेशन पॉलिसीज इंक्रीज हुई थी। तो रफली 14 जून वगैरह को, नहीं 10 जून को, 10 जून को सीरीज से कॉपीराइट वार्निंग लगी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और लाइक तुम कितनों को अपील करोगे, मतलब मैंने तो टोटल 10 एपिसोड्स डाल दिए थे और वो 10 के 10 स्ट्राइक टोटल एक दिन में लगे। और होता ऐसा है कि जब एक बार तुमको मतलब अल्गोरिथम डिटेक्ट करना शुरू होता है तो वो डीप लर्निंग की तरह आता है। मतलब अगर तुम्हें कहीं किसी ने बुराई देख ली तो अगर मतलब किसी पर्सन ने तुम पे बुराई देख ली तो वो सिर्फ और बुराई देखता है और बुराई देखता है और बुराई देखता है। तो फेसबुक का अल्गोरिथम भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो हुआ ऐसा कि लाइक वो एक्स्ट्रा डीप जाने लग गया कि भाई मतलब मैंने क्या क्या बुराइयाँ वगैरह की है या फिर क्या क्या मेरा कंटेंट उनके कॉपीराइट को वायलेट कर सकता है। तो अब एक थर्ड पार्ट चालू हो गया जिसमें था कि एक बहुत ही पुराना मीम है जिसमें अगर हम इस तरह से हाथ दिखाएं और उसको अगर पैर के नीचे रखें तो लाइक बचपन का मतलब दूसरे कल्चर में एक सीन होता है कि यू आर अलाउड टू पंच दैट अदर गाय करके, मतलब एक बचपन का कोई मतलब बच्चे लोग खेलते हैं कि अगर किसी ने हाथ ऐसे कर दिया और उसको नीचे दिखा दिया पैर के नीचे तो यू आर अलाउड टू पंच हिम। तो ऐसा एक फ़ोटो जब मैंने जाना उसके बारे में तो मैंने ऐसा फ़ोटो डाल दिया था, अभी ये ज़्यादा टाइम के लिए मैं रखूँगा नहीं स्क्रीन पे। तो लाइक ऐसा एक फ़ोटो डाल दिया था और जिसके कारण हुआ ये कि वो भी अभी कॉपीराइट वॉयलेशन में आता है क्योंकि फेसबुक उसको प्रमोट नहीं करता ऐसी चीज़ों को। फेसबुक को लगता है कि लाइक वो बुलिंग वगैरह के केस में जाता है। तो इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक टोटल 3 कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट वॉयलेशन पे चले गया था। तो ना मुझे फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना अलाउड था, ना कुछ कमेंट करना, ना ही कोई मतलब मैंने अपील भी की। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपील भी की कि भाई मेरा इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे 16 जून को मैंने अपील की कि भाई यार मतलब मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं उस कंटेंट को प्रमोट भी नहीं कर रहा था और मेरे को लाइक वो सोच नहीं थी कि वो स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस या फिर उस तरह से जाएगा वगैरह करके। लेकिन वो अपील भी रिजेक्ट हो गई। यूट्यूब कहता है कि तुम्हारा वीडियो जिसमें कंटेंट और लिंक्स वगैरह थे तो वो डेफिनेटली तुम्हारे कॉपीराइट और जो भी उनकी पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट जाता है। तो उस तरह से धनाधन धनाधन एक के बाद एक स्ट्राइक्स लगते गए और फाइनली आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें पोस्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो आज के दिन क्या बोलूँ, हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और लाइक रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम गलतियाँ करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। तो लाइक जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो वॉयलेशन स्ट्राइक था और जो कंटेंट रिमूवल था और बोथ फेसबुक और यूट्यूब मेरे अकाउंट्स शायद ब्लॉक हो जाते, ऐसा एक उन्होंने वार्निंग दिया था। लेकिन ये चीज़ें पास्ट वाली है, लाइक अभी अल्गोरिथम और ढूंढ रहा है मेरे वीडियोस, ढूंढ ढूंढ के देख रहा है कि भाई उसमें क्या गलतियां हो सकती है। और एक दिन में सॉरी 90 डेज के अंदर अगर उनको ऐसे 3 वीडियोस मिल गए जिसमें कंटेंट गलत है तो वो चैनल को हटा देंगे। और सेम चीज़ फेसबुक से भी रिक्वेस्ट आई है कि अगर उनको ऐसे और चीज़ें मिलती हैं जिसमें लाइक जो चीज़ अलाउड नहीं है इंटरनेट पे होने के लिए और वो मेरे अकाउंट के थ्रू मिलती हैं तो वो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो ये है शॉर्ट स्टोरी, जो हुआ वो हुआ, आगे से संभाल के पोस्ट करूँगा, कंटेंट में क्वालिटी लाऊंगा। कंटेंट पोस्ट करना तो बंद नहीं करूँगा लेकिन लाइक इस बार सारे रूल्स पढ़ के फिर कंटेंट डालना करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो अगले वीडियो में, नहीं तो अगले जन्म में। बाय बाय।